यार ऐसा है कि ऑप्शनल तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, और तुम्हें उसमें अच्छा स्कोर कर पाना होना चाहिए। तो कोई और उसमें अच्छा कर रहा था, उस वजह से अगर ऑप्शनल लोगे तो कभी नहीं स्कोर करोगे। अगर मेरा टैलेंट ज्योग्राफी का है, तुम्हारा नहीं है, और तुम मेरे को देख के ज्योग्राफी ले लोगे तो तुम्हारे तो नंबर कभी नहीं आएंगे उसमें। मेरी लाइफ के बेसिस पे अपनी चॉइसेस बनाओगे तो कैसे नंबर लाओगे, ठीक है। एंड ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम्हें इतनी डेप्थ में पढ़ना है, इतनी डेप्थ में पढ़ना है कि जब तक उस सब्जेक्ट से एक्चुअल अटैचमेंट नहीं होगा, उसमें एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं आएगा, कभी नहीं पढ़ पाओगे। सो हमेशा पहला रूल ऑप्शनल का, चाहे किसी और के उसमें आज तक नंबर आए हैं कि नहीं आए हैं, तुम्हें लगता है तुम नंबर ला सकते हो तो लो। दूसरों के लिए चॉइसेस बनाओगे ना दूसरों की लाइफ के बेसिस पे, तो अपनी लाइफ में तो फेलियर रह जाओगे। मेक ऑल योर डिसीजंस, ऑल योर चॉइसेस बेसिस, इंग्लिश चलेगी थोड़ी थोड़ी, हाँ ओके, अपनी लाइफ के बेसिस पे ना, अपने टैलेंट के, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चॉइसेस बनाओ अपनी जिंदगी की, और वो भी हर चीज में, नॉट जस्ट ऑप्शनल, इवन यूपीएससी करना क्यों है इसकी चॉइस भी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम्हें सोशल सेक्टर में काम करना है, लोगों के साथ थोड़ा भी काम करना है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपना रेगुलर कॉर्पोरेट लाइफ के बाद वीकेंड्स पे या फाइनेंशियली बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं। एंड एज एन ऑफिसर मैं तुम्हें सच्चाई से बताती हूँ कि बहुत सारे काम मैं एनजीओस के थ्रू ही कर पाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम और मैन पावर नहीं होती, और ना मेरे पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते सरकार के पास कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारे बाहर नॉन गवर्नमेंट लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर आपको यू नो दोनों चीज़ें चाहिए, एक अच्छी सी अपने लिए प्राइवेट लाइफ भी चाहिए, बाय द वे सरकार में छुट्टी लेने के लिए आपको इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख के मांगनी पड़ती है ना कि बहुत पेनफुल है, तो अपनी पर्सनल लाइफ जो है ना वो काफ़ी आप सैक्रिफाइस करते हो, तो अगर आपको वो भी जीना है तो उस वजह से आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सिर्फ यूपीएससी इसलिए सोचें, ठीक है। बहुत तरीके हैं, यूपीएससी करना है तो सिर्फ इसलिए करो कि तुम्हारा एक्चुअली इस जॉब को करने का मन है, ये नहीं कि मुझे टैग चाहिए कि मेरा सिविल सर्विसेज क्लियर हुआ है, ये जॉब करने का मन होना चाहिए, सीखो इस जॉब के बारे में, नहीं तो अंदर आओगे ना तो भी खुश नहीं रहोगे और दूसरों को भी दुखी करोगे, क्योंकि सिर्फ नेगेटिविटी फैलाओगे। सच्चाई है ये, आप जब दूसरों के लिए चॉइसेस बनाते हो ना अपने लाइफ की, तो आप थोड़ी खुश होगे, वो तो उस इंसान की खुशी के लिए थी, आपकी खुशी थोड़ी आएगी उस चॉइस से, ठीक है। तो हमेशा कोई भी ऐसी चॉइस नहीं बनाओ गोइंग फॉर ऑप्शनल, डिसाइडिंग टू डू यूपीएससी या कोई भी और चीज, कि वो कोई और अच्छा था, उसमें कोई और अच्छा था तो तुम कैसे होगे, ठीक है।